अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में ऐसे 20 ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाला हूँ जिनकी ताबीर मालूम करना आपकी ज़रूरत है, और लोग इन चीज़ों को जब ख्वाब में देखते हैं तो ताबीर मालूम करते हैं। आइए आज आपकी खिदमत में मैं ख़ुद इनकी ताबीर पेश कर देता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर किया करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि ख्वाबों की ताबीर जैसे आप मुझसे जानते हैं मालूम करते हैं या मालूम हो जाती है आपको, आपके दूसरे दीनी भाइयों तक भी उनके ख्वाबों की ताबीर मालूम हो जाया करे, तो आप हमारी वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर किया कीजिए ताकि लोगों की ये ज़रूरत आपके ज़रिए से और मेरे वास्ते से आसानी से पूरी हो सके। और आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी ये है कि हमने अपने इस चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है फ्राइडे कमेंट बॉक्स, यानी फ्राइडे को अपने कमेंट सेक्शन से हम तमाम ख्वाब आपके उठाते हैं जो आप हमसे मालूम करते हैं, और उनका जवाब फ्राइडे की वीडियो में हम देते हैं। आइए बात अब शुरू करते हैं। अगर आपको भी हमसे कोई ख्वाब की ताबीर मालूम करनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना ख्वाब लिख दीजिए, अपना नाम भी लिखिए, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए 20 चीज़ें अब आपको मैं बतलाता हूँ। नंबर 1, ख्वाब में मिठाई बांटते हुए कोई अगर अपने आप को देखे कि वो मिठाई बांट रहा है तो उसकी ताबीर क्या होती है? इसकी ताबीर ये है कि इस ख्वाब देखने वाले को खैर और बरकत मिलेगी, लोगों के साथ उसने सलूक करेगा, लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करेगा। नंबर 2, अगर कोई ख्वाब में अपने आप को शराबियों के पास, शराबियों की महफिल में बैठे हुए देखे, शराबियों की महफिल देखे, तो उसकी ताबीर क्या होती है? याद रखें, अगर ख्वाब देखने वाला जिन शराबियों की या शराब की महफिल को देख रहा है, अगर उस महफिल में तहजीब याफ्ता, समझदार और बासलीका लोग मौजूद हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि कौम का कोई काम अब बहुत अच्छे तरीके पर लोगों के फ़ायदे के लिए होने वाला है। अगर उस मजलिस, महफिल और मीटिंग में कौम के समझदार, तहजीब याफ्ता लोग बैठे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि अब कौम की कोई ज़रूरत बड़ी आसानी के साथ बहुत अच्छे तरीके पर पूरी होने वाली है। नंबर 3, अगर ख्वाब में कोई उलमा की, आलिमों की महफिल देखे, तो उसकी ताबीर ये है कि दीन में तरक्की होगी, दीनी मसाइल जो उलझे हुए हैं, लोगों की ज़रूरियात के हैं, उनको हल किया जाएगा और लोगों की दीनी ज़रूरत आसानी के साथ पूरा होगी। इसी तरीके पर दीनी इदारे, दीनी मदरसे कायम होने की जानिब भी इस ख्वाब में इशारा होता है। नंबर 4, ख्वाब में मच्छरों का काटना, अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसके मच्छर काट रहे हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि लोगों के तान और तशनी, लोगों के तंज सुनेगा, जिल्लत और रसवाई हाथ लगेगी। नंबर 5, ख्वाब में मछली देखना, अगर कोई ख्वाब में मछली देखे तो उसकी ताबीर ये है कि दौलत मिलेगी, और अगर बहुत सारी मछली देखे तो दौलत भी बहुत सारी मिलने की जानिब इशारा होता है। ख्वाब में मछली पकड़ना, अगर ख्वाब में कोई मछली पकड़ते हुए देखे और मछली जाल से पकड़े, तो इसकी ताबीर ये है कि मकर व फरेब के ज़रिए से दौलत जमा करेगा, धोखाधड़ी के ज़रिए से दौलत इकट्ठा करेगा। नंबर 7, खौफनाक मछली देखना, कोई डरावनी, खौफनाक, जिससे दहशत दिल में पैदा हो जाए, ऐसी मछली ख्वाब में देखना, अगर कोई ऐसी मछली ख्वाब में देखे तो जितनी खौफनाक और बड़ी मछली ख्वाब में देखी है उतना ही उसको ज़्यादा मुसीबत आने की उम्मीद है। नंबर 8, ख्वाब में महराब देखना, महराब किसको कहते हैं? जिसमें मस्जिद में इमाम साहब खड़े होकर के नमाज पढ़ाते हैं, वो महराब कहलाती है। अगर कोई ख्वाब में महराब देखे तो उसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह ताला नेकी की तौफीक मिलेगी,
और फर्जंद पैदा होने की जानिब भी इशारा है कि ख्वाब देखने वाले के यहाँ नेक फर्जंद या बेटा पैदा होगा। नंबर 9, ख्वाब में मेहराब में नमाज पढ़ना, इमाम के नमाज पढ़ाने की जगह पर नमाज पढ़ना। अगर कोई ये ख्वाब देखे तो इसकी ताबीर ये है कि माल ज़्यादा होगा और बुजुर्गी और शराफत अल्लाह की जानिब से इसको दी जाएगी। ख्वाब में महफिल में जाना, महल में जाना। अगर कोई ख्वाब में महल में जाते हुए अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर ये है कि दिली मुराद पूरी होगी और जो इसकी दिली मुराद और मतलूबा चीज़ है वो इसको आसानी के साथ मिल जाएगी। नंबर 12, ख्वाब में महल में आग लगते हुए देखना। अगर कोई ये देखे कि ख्वाब में महल में आग लग गई है तो उसकी ताबीर ये है कि हाकिम वक्त कुछ इससे जुर्माना लगाएगा, कुछ इसके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा या इसके ऊपर कोई वैसे ही मुसीबत और परेशानी आने की जानिब भी इस ख्वाब में इशारा होता है। नंबर 13, खूबसूरत महल ख्वाब में देखना। अगर ख्वाब में कोई खूबसूरत महल देखे तो उसकी ताबीर ये है कि नहमत, राहत और इज्जत इस बंदे को मिलने वाली है। नंबर 14, ख्वाब में मदीना मुनव्वरा देखना, हुजूर अलैहिस्सलाम का शहर देखना। इसकी ताबीर ये है कि इल्म में तरक्की होगी, दीन और दुनिया में बेहतरी होगी और दीन और दुनिया में कामयाबी की जानिब इस ख्वाब में इशारा है। नंबर 15, ख्वाब में मुर्दे से नसीहत की बातें सुनना। अगर कोई ख्वाब में मुर्दे से नसीहत की बातें सुने और बेहतरीन नसीहत मुर्दा कर रहा है, बेहतरीन नसीहत मुर्दे से सुनी है तो इसकी ताबीर ये है कि इसका मकसद हासिल हो जाएगा। नंबर 16, ख्वाब में मुरझाया हुआ फल देखना कि वो मुरझा गया पड़ा पड़ा या दरख्त पर लगा लगा, तो इसकी ताबीर ये है कि मकसद में इसको नाकामी होगी और जो इसके मकासद और टारगेट हैं वो पूरे नहीं होंगे। नंबर 17, ख्वाब में मुर्दे को उठाकर ले जाना। मुर्दे को उठाकर ले जा रहा है ख्वाब में तो उसकी ताबीर ये है कि हराम माल मिलेगा और जो नेमतें अल्लाह ताला ने इसको दे रखी हैं वो नेमतें बढ़ने के बजाय घट जाएंगी। नंबर 18, मुर्दे को खूबसूरत और ज़िंदा देखना ख्वाब में। मुर्दा बहुत खूबसूरत भी है और ज़िंदा भी है तो उसकी ताबीर ये है कि अगर जिसको इसने देखा वो मुर्दा अनजान है, इसके जानने पहचानने वाला नहीं है तो इसको गम लाहिक होगा, और अगर जानने पहचानने वाला है तो नेक बख्ती की अलामत है यानी इसकी खुशकिस्मत और अच्छी नसीब वाला होने की जानिब ख्वाब में इशारा है। नंबर 19, मुर्दे को ख्वाब में आवाज़ देना। अगर ख्वाब में कोई मुर्दे को आवाज़ दे तो उसकी ताबीर ये है कि अगर मुर्दे को देखा नहीं है तो हलाकत की जानिब इशारा है। मुर्दा को आवाज़ तो दी है लेकिन मुर्दे को देखा नहीं है तो फिर इससे मुसीबत और परेशानी की जानिब ख्वाब में इशारा है। नंबर 20, मुर्दों की जमात और मुर्दों की मीटिंग और महफिल ख्वाब में देखना। इसकी ताबीर ये है कि अगर कोई ख्वाब में मुर्दों की जमात देखे तो गुमराही और बिदअत की जानिब इशारा है, यानी किसी गुमराही और बिदअत के फैलने का अंदेशा है या किसी गुमराही और बिदअत के ख्वाब देखने वाले का सबब बनना, बिदअत के फैलने का जरिया बनने की जानिब इशारा है। तो दोस्तों, ये 20 ख्वाब हुए जिनकी ताबीर हमने आपकी खिदमत में पेश की है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।